नमस्कार दोस्तों, आज एक जरूरी विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए। ये एंटेसिड सिरप या टैबलेट संबंधित है कि ऐसे लोग जिनको पेट के अंदर गैस, बदहजमी, एसिडिटी या खट्टी डकार है, अल्सर की समस्या है, तो एंटेसिड एक दवा होती है जो सिरप के रूप में और टैबलेट के रूप में भी आती है और इंडिया में काफ़ी लिखा जाता है, काफ़ी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो जब आप दवा ले रहे हो तो आपको क्या सावधानी रखना है उसके बारे में ज़रूरी बात बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एंटेसिड होता क्या है कि जब पेट के अंदर जाता है तो जो एसिड बना रहता है बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो जो एसिड के कारण आपके पेट में दर्द, जलन या जो खट्टी डगार आती है, इसोफेगस के अंदर जो जलन का एहसास होता है वो उसी एसिड के कारण होता है। और जो एंटेसिड वाली जो ये सिरप होती ये बहुत फास्ट एक्शन रहता है, एक बार एसिड बनने के बाद यही दवाइयां हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। बाकी जो दवाई एसिडिटी गैस की आती है वो बनने से रोकती है, लेकिन एंटासिड क्या करता है कि अगर किसी को एसिड या गैस बन गई है तो उसको ख़त्म करता है। बहरहाल जो एंटासिड चाहे सिरप हो चाहे टैबलेट हो उसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट होते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो साल्ट होते हैं इनके कारण ही हमें ये सावधानी रखना है कि जब ये दवा आप खाते हैं, लेते हैं या पीते हैं तो उस समय दूसरी दवाइयाँ या एंटीबायोटिक ये सबको अवॉइड करना या सावधानी से लेना होता है। ये बेसिकली ये बताने का मकसद है इस वीडियो के द्वारा। तो जो एंटासिड जो साल्ट रहता है उसमें या तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम ट्राइसिल्केट, इस तरह के साल्ट रहते हैं जो कि एंटासिड जो आपको सिरप या टैबलेट रहेगी उसमें रहेगा। कुछ एंटासिड ऐसे भी होते हैं जिसमें सीमेथिकन भी होता है जो बेसिकली गैस रहती है उसको खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। सब पहले मैं थोड़े से एग्जांपल बताऊं आपको कि उससे आपको ये आइडिया मिल पाए कि बेसिकली मैं जिन दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूं वो कौन सी दवाइयां। तो जैसे डाइजीन का नाम सुना होगा आपने, या जेलोसिल का नाम सुना होगा, या हिस्टेक का नाम सुना होगा, पॉलीक्रॉल का नाम सुना होगा, म्यूकिन, ये जो दवाइयां हैं इनके अंदर एंटासिड होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है जब ये आप दवा लेते हैं कि ये जो दवाइयाँ होती हैं दूसरे दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को डिले करती हैं या तो नहीं होने देती, प्रिवेंट करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो साल्ट होता है उसके कारण ये इफेक्ट आता है। तो ये बेसिकली बताने का मेन मकसद था इस वीडियो के द्वारा। स्पेशली अगर बात करें आयरन की टैबलेट चल रही है, जैसे खून के कमी है तब लिखी जाती है, विटामिन बी12 की टैबलेट चल रही है, कैप्सूल चल रहा हो, फोलिक एसिड हो, या हड्डियों के लिए जो कैल्शियम रहता है, मांसपेशियों के लिए कैल्शियम लिखा जाता है, जिंक लिखा जाता है, तो इस तरह के जो सप्लीमेंट रहते हैं उसको आपको इस एंटासिड जो सिरप है उससे कम से कम 2 घंटे आगे पीछे गैप करके बेसिकली लेना है, नहीं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये प्रभावित होगा। क्योंकि आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन बी12, कैल्शियम, इनके लिए पेट के अंदर एसिड होना चाहिए, लो पीएच में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। और एंटासिड करता क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पेट के अंदर का पीएच बढ़ा देता है। तो ये बताने का मकसद है कि आप एंटासिड की दवाई चल रही हो तो ये जो सप्लीमेंट है उनको इसके साथ नहीं लेना है, गैप करके लेना होता है। और ऐसे ही जो बहुत ही ज़रूरी दवाई है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा है, शुगर की दवा है, थायराइड की दवा है, या एंटीबायोटिक हो सकता है ये भी आपको चल रही हो, ज़्यादातर लोगों को इनमें से ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादातर चलती है, तो इन दवाइयों को भी एंटासिड से गैप करके लेना है, नहीं तो इन दवाइयों का भी असर हो सकता है कि कम हो जाए। कुछ दवाइयाँ होती है जिनका असर बढ़ भी जाता है, वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आप कैल्शियम वाला, कि एल्युमिनियम वाला, कि मैग्नीशियम वाला कौन सा साल्ट ले रहे हो एंटासिड सिरप में या टैबलेट में। एंटीबायोटिक की जैसे बात करें, जैसे आपको एंटीबायोटिक किसी डोज में चल रही हो, एक्चुअली ये सिरप या टैबलेट जो होती है एसिडिटी गैस की, ये मार्केट में मिल जाती है आसानी से, मेडिकल शॉप में आप लोगे तो वो लोग दे देते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती कि ये दवा को बाकी दवाइयों से अलग करके खाना होता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग साल्ट होते हैं वो एंटीबायोटिक के असर को कम कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगी नहीं। तो ये एक जो जरूरी बात है जाने। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें क्रोनिक किडनी की बीमारी है, किडनी की बीमारी मतलब एडवांस स्टेज में है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने लगता है, जैसे सोडियम का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, मैग्नीशियम फास्फेट का लेवल फ्लक्चुएट होता है, उन लोगों में फिर ये दवा नहीं लिखी जाती। दूसरी तरीके की जो दवाइयाँ आती है गैस की, एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, खट्टी डकार की या पच की, वो लिखी जाती है। तो ये एक जरूरी बात है ऐसे लोगों के लिए जिनको ये दवा ले रहे हैं।
और एक बात भी आप ध्यान रखें कि ये जो दवाइयाँ होती हैं एंटेसिड स्पेशली जो ये एसिड के फॉर्मेशन को रोकती है, ये पेट के अंदर ये कहीं की कोई बीमारी को ट्रीट नहीं करती, कोई ठीक नहीं करती। आपको कारण समझना पड़ेगा कि किस कारण से आपको समस्या है, फिर उस कारण को ही ठीक करना होता है। और जो एसिडिटी कम करने की या गैस की या खट्टी डकार रिफ्लेक्स की जो दवाई पीपीआई होती है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ओमिप्राजाल होता है या रिबिप्राजाल होते हैं, ये सब दवाइयाँ या एस टू ब्लॉकर रेनिटिडिन फोमटिटिडिन वगैरह ये सब हम लोग ले सकते हैं लंबे समय के लिए। एंटेसिड बहुत लंबे समय के लिए नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उससे काफ़ी तरह की ये भी समस्या हो सकती है। और इससे एक ये भी समस्या देखी गई कि अगर आप इस दवा को एंटेसिड को ज़्यादा लंबे समय तक लोगे तो ये प्रोटीन के डाइजेशन को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें जो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है उसके असर को भी कम करती है। बेसिकली एंटेसिड में किलेशन प्रॉपर्टी होती है, किलेशन प्रॉपर्टी मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पकड़ लेती है तो उससे एब्जॉर्प्शन रुकती है। इसके अलावा पीएच को बढ़ा देती है पेट के अंदर, लेकिन पेट के अंदर पीएच कम होना चाहिए, एसिड इन्वायरमेंट में चीज़ें अच्छे से पचती और एब्जॉर्ब होती। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या एंटीबायोटिक इन सब की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है या आयोनाइजेशन को अफेक्ट करती है, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है उसको डिले करती है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है, तो इसलिए एंटासिड अगर आप अपने मन से पी रहे हैं, काफ़ी दिन से पी रहे हैं, तो इसको ना करें, बल्कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको क्या समस्या है उसको देख लें। एंटासिड का यूज इसलिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तभी करते हैं या तभी सलाह देते हैं जब आपको बिल्कुल खट्टी डकार आ रही हो, जो पेट का एसिड है इसोफेगस में आ रहा है, गले तक आ रहा है, रिफ्लक्स की समस्या है, या तब बोला जाता है कि आपको एसिड बन गया है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटेसिड ये पीना पड़ता है या चबाने के भी, या टैबलेट डाइजिन वगैरह की आती है तब सलाह दी जाती है। नॉर्मल केस में जो खाने की टैबलेट कैप्सूल पीपीआई या एस टू ब्लॉकर लिखा जाता है। तो एंटेसिड सिर्फ आप पी रहे हैं काफ़ी दिन से, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान रखें। जो सबसे ज़रूरी बात मैंने ये बताई कि जब आप इसको लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि खाना खाने के जस्ट बाद सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आप ये देख लें कि इसको कितनी बार, ज़्यादातर रात में खाना खाने के बाद पीने की सलाह दी जाती है, तो आपकी जो बाकी दवाइयाँ आप उसको दूसरे खाने के साथ शिफ्ट कर लें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी ऐसे लोगों के लिए जो एंटासिड सिरप लेते हैं। उम्मीद है ये हेल्पफुल होगा उनके लिए। धन्यवाद।